हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताकर एक बार फिर से विनय कोचिंग क्लासेस पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कल इससे पहले जो पढ़ने पढ़ लिया था, अब देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार थोड़े से आसान से क्वेश्चन ले रहा हूँ। इन दो क्लासेस में आपको थोड़े से नॉर्मल से क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसके बाद थोड़ा सा अपन धीरे धीरे लेवल की तरफ चलेंगे। तो देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक बार, ए का 20%, ये कोई ए कोई नंबर है, इसका 20% और परसेंट की जगह क्या मैं बटा में 100 लगा सकता हूँ क्या? वो ए का 20% बराबर है बी का 50% के, वो क्या ये इन दोनों को मैंने बराबर रखा है? ए का 20% बराबर है बी का 50% के, और बोला क्या गया था ए का कितना परसेंट बी है, तो क्या मुझे ए और बी का या तो दोनों में कोई ना कोई संबंध निकालना पड़ेगा? तो मुझे बताओ क्या नीचे वाले 100 से इस नीचे वाले 100 को काट सकता हूं क्या? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा गया? एक बार ध्यान दो, ये इसलिए कहा गया कि अगर मैं ए की वैल्यू यहां निकालना चाहूं तो क्या ये भिन्न उधर जाके उल्टा होगी या नहीं होगी, और उल्टा होगी तो क्या मैं यहां पर भी तो इसको काट सकता हूं और 100 से 100 कट जाएगा, और क्या मैं इसी प्रकार से ऊपर वाले से 0 से 0 कट जाएगा क्या? और अब मुझे ए और बी का संबंध निकालना है, तो ध्यान दो क्या मैं इस बी को यहां इस ए के नीचे ले आऊं क्या, और इधर क्या बचा, क्या बराबर में क्या 5, और क्या मैं इस 2 को इस 5 के नीचे जाएगा क्या, तिरछा गुणा करोगे तब? ऐसा कभी कभार आप लोग देखते हो, जैसे आपके पास में एक बार थोड़ा साइड में देखना, क्या मैं a अपॉन में b अगर मुझे रेशियो निकालना था और मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ था a बाई में 2 और बराबर था b बाई में 3, तब उस केस में तो आप लोग डायरेक्ट भी ये भी कह सकते हो कि a की जो वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 3 है, परंतु साथ ही अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 3a बराबर है मान लो 4b के, तो क्या करते हो आप लोग ए और बी का जब रेशियो निकालते हो, रेशियो परस्पर बदल जाते हैं और ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू कितनी होती है 3। ऐसा क्यों होता है, देखो एक बार ध्यान दो, क्या करोगे, क्या मैं इस बी को इस ए के नीचे लेके आऊंगा तो क्या 3a बाई बी, और क्या वो बराबर होगा क्या 4 के, और यहां अगर मैं इस 3 को क्या मैं तिरछा गुणा करवाऊंगा तो मैं यहां लेके आ सकता हूं क्या, तो क्या ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू क्या 3 होगी क्या? और मैंने भी यही कहा था कि रेशियो परस्पर बदल जाते हैं, इस केस में मैंने क्या कहा था कि रेशियो परस्पर बदल जाते हैं, ये एक बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे बताओ ए और बी का जो संबंध था वो यहां पर कितना, क्या 5 और अपॉन में कितना, क्या 2 आएगा क्या, और यहां ए और अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो क्या यहां से पूछा क्या गया था ए का कितना प्रतिशत बी है, और ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का परसेंटेज बी निकालोगे तो क्या मुझे बताओ बी की वैल्यू कितनी 2 है क्या, तो ए की वैल्यू कितना होगी क्या 5, और परसेंटेज निकालोगे तो क्या 100 से गुणा करोगे क्या, 5 से कितनी बार गया, 5 से 20 बार, 20 दुने कितना 40, और क्या ये 40% होगा। एक और आसान सा क्वेश्चन और देखते हैं, क्या बोला गया, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर है p माइनस क्यू का 40%, तब p अनुपात q, वह दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि q p से कितना परसेंट है, q p का कितना परसेंट है, तो मुझे बताओ क्या बोला गया था p प्लस क्यू का कितना परसेंटेज 20%, तो क्या 20 बटा में 100 लिखोगे क्या? अगली ही बार आगे जाओगे तो क्या p माइनस क्यू का 40%, और क्या ये दोनों बातें आपस में बराबर बोली गई है क्या? तो यहां से p और q का आपस में रेशियो निकालोगे और कैसे निकलेगा, क्या मैं 100 से 100 काट सकता हूं क्या, और यहां 20 से एक बार और 20 से कितनी बार गया 2 बार, तो यहां कितना होगा p प्लस q और वो बराबर है 2p माइनस 2q के बराबर आएगा। एक काम करो, p को इस तरफ लोगे या फिर क्या करोगे इस q को इस तरफ ले लो, तो क्या यहां पर p को इस तरफ लोगे तो p माइनस 2p और वो बराबर होगा क्या माइनस 2q, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, और यहां क्या बचा माइनस का p बराबर माइनस का 3q बचा क्या, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब मुझे बताओ जिस संख्या के, यहां जो अल्फाबेट ये p दिया हुआ है इसका कोई गुणांक थोड़ी है, गुणांक आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या इसका मैं गुणांक 1 कह सकता हूं क्या? क्यों, क्योंकि किसी भी डिजिट को, अगर किसी भी नंबर को आप लोग, जैसे मान लो आपके पास 20 है, इसका 1 से गुणा करोगे तो भी 20 है, और 60 का गुणा फिर 1 से करोगे तो भी 60 ही आएगा। तो यानी क्या समझ में आ रहा है, किसी भी नंबर का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा वही की वही संख्या निकल के आती है।
तो क्या यहां से रेशियो परस्पर बदल जाएंगे? थोड़ी देर पहले भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, और पी की वैल्यू जब 3 होगी तो क्या क्यू की वैल्यू 1 होगी क्या? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पी और क्यू का जो रेशियो होगा वो 3:1 में कितना 1 होगा क्या? अगला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बोला गया था, दूसरा क्वेश्चन बोला गया क्यू पी से कितना प्रतिशत है, तो आप लोग क्या करोगे, क्यू है वो पी का कितना परसेंटेज है वो आपसे पूछा गया था, तो क्या क्यू की जो वैल्यू है वो 1 है क्या, और पी की वैल्यू कितना है क्या 3 है, और इंटू में कितना 100, और 100 में 3 का भाग दोगे 33 सही 1/3% आया क्या? क्लियर है? तो एक और आसान सा क्वेश्चन क्या बोला गया हो, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? देखो मैं एक बार बेस तरीका समझाता हूँ, दूसरा तरीका उसके बाद में। सबसे पहली बार क्या बोला गया था कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। मान लेता हूँ कि एक बार चावल का जो मूल्य था वो 100 रुपये प्रति केजी था, और प्रारंभ में मान लेता हूं कि 100 किलो ही खपत की जा रही थी। प्रारंभ मैंने क्या कहा कि 100 रुपये प्रति केजी क्या था, मूल्य था, और 100 किलो ही खपत की जा रही थी। और अगली ही बार क्या बोला गया, अगली बार मैंने सिर्फ ये माना एक्सेप्टेड किया है, और ये तो क्या था 1 केजी का मूल्य प्रति केजी में लिख देता हूं, और ये क्या थी खपत। अगर मैं मूल्य का गुणा खपत से करता हूं तो क्या मेरे पास कुल खर्च आएगा या नहीं आएगा? क्या बोलोगे कि अगर मैं 1 किलो का जो भाव है उसका गुणा अगर मैं खपत से करवा दूं तो क्या मेरे पास कुल खर्च आएगा या नहीं आएगा? तो यहां 100 रुपये किलो का भाव था, 100 किलो खपत कर रहा था, और क्या जो खर्चा आया कुल वो एक परिवार में क्या वो 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है क्या? अगली बार क्वेश्चन में यह बोला गया था कि 20% भावों में वृद्धि हुई थी, और क्या 100 पर 20% की वृद्धि होगी तो क्या अब जो भाव होगा वो 120 रुपये किलो होगा क्या? अब जो भाव हुआ वो 120 रुपये किलो। अब यहां खपत अपने को निकालनी थी कि खपत में कितने परसेंट की, अब 100 पर इसलिए माना है कि गणना करना आसान हो, और क्या मुझे ये बताओ यहां कमी करने के बाद यहां रखी गई संख्या अक्ष बोल सकता हूं क्या? अगर रखी गई संख्या एक्स है तो यहां क्या अब भी खर्च वही का वही चाहिए क्या, और खर्च जो पहले 10,000 था और वही भी अब भी वो कितना 10,000 ही होगा क्या? तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स बराबर कितना होगा 10,000 अपॉन में कितना 120 आएगा क्या, और 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 250 बार, और 4 से 3 बार, 250 में 3 का भाग दोगे और 8 * 3 = 24, और कितना 83 सही 1/3 आएगा क्या? क्या एक्स की जो वैल्यू आई वो 83 सही 1/3, और परसेंटेज में आपको वैल्यू चाहिए थी तो यहां आसान हो जाएगा, 100 में से 83 सही 1/3 निकालोगे और बचेगा कितना 16 सही 2/3 बचा क्या? वही तो कमी होगी या नहीं होगी? और वही कमी होगी तो क्या मैं उसको, अब देखो यहां सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, यहां मैं सीधा ही बोल रहा हूं, और क्या 16 सही 2/3% ही आएगा क्या? 100 पर गणना करना आसान है, वही बात है, क्योंकि क्या बोलोगे आप लोग, सर 16 सही 2/3 की कमी की गई, और कितने पर की गई 100 पर, गुणा में कितना 100, और क्या वापस 100 से 100 कटेगा, और कितना परसेंट आएगा, क्या 16 सही 2/3% ही कमी होगी या नहीं होगी? एक इसका दूसरा तरीका और होता है, एक बार ध्यान दो, दूसरा तरीका क्या करोगे, दूसरा तरीका अगर मैं बोल देता हूं कि पहले जो खपत थी वो 100 थी, सॉरी पहले जो मूल्य था वो 100 था, अब भाव बढ़ा तो कितना हो गया क्या 120 रुपये मूल्य हो गया क्या? 120 रुपये मूल्य हुआ, अब मुझे इस बढ़े हुए मूल्य के आधार पर खपत को कम करना पड़ेगा ताकि खर्च वही का वही रहे, तो क्या मैं यहां से 20 की कमी करूंगा और कितने पर करूंगा 120 पर, और परसेंटेज में चाहिए था तो गुणा में कितना 100, और 20 से कितनी बार गया 6 बार, और 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, और कितना आएगा 16 सही 2/3% क्या होगी, नीचे की ओर एरो साइन लगा रहा हूं कमी को दर्शा रहा हूं, क्या 16 सही 2/3% की कमी होगी क्या? एक और क्वेश्चन, चावल की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई,
यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ध्यान दो एक बार, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। यहां जो अगर मूल्य दिया हुआ है इसको क्या मैं परसेंटेज में नहीं चेंज कर सकता क्या, कि भावों में कितने की वृद्धि हो रखी है, ताकि जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया है सेम वैसे ही हो जाए। तो क्यों, यहां देखो क्या, मुझे बताओ 6 से क्या 1.50 की वैल्यू बढ़ रही है क्या, क्या मुझे आप लोग ये कह सकते, मुझे ये बता सकते हो क्या 1.5 ही रुपए प्रति केजी में बढ़ा या नहीं बढ़ा, और 1.5 बढ़ा और अपॉन में कितना, कितने पर बढ़ा, 6 पर, और गुणा में कितना 100, ये लिख सकता हूं क्या। पॉइंट हटाओगे बटा में जीरो लगा दो यार, यहां जीरो से जीरो और तीन से दो बार, तीन से पांच बार, दो से कितनी बार गया, पांच बार, और कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी क्या, 25% की वृद्धि हुई थी क्या, और 25% की वृद्धि हुई। अब वह क्वेश्चन सेम जस्ट पीछे वाला ऐसा हो गया, और क्या करोगे, यानी कीमत में कितने की वृद्धि होगी, पहले 100 मान लेते हो तो अब कितना, क्या वृद्धि होने पर 125 हो गया क्या। अब बढ़े हुए मूल्य के अकॉर्डिंग ही खपत में कमी करनी पड़ेगी, और यहां कितना, क्या मुझे बताओ 25 से कमी करनी पड़ रही है क्या, और कितने पर करनी पड़ रही है, 125 पर, और गुणा में कितना 100, क्या यही तो खपत में कमी होगी क्या, क्या यही तो खपत में कमी होगी या नहीं होगी, और 25 से कितनी बार गया, पांच बार, और पांच से कितनी बार जाएगा, 20 बार, और कितने परसेंट कमी होगी, 20% क्या होगी कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से, चीनी के मूल्य में, उसी का रिलेटेड टाइप है थोड़ा सा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई तो एक गृहिणी इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि खर्च केवल 5% कम हो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, खर्च अपरिवर्तित था, और यहां पर अब क्या कर रहा है, खर्च को भी 5% कम कर रहा है। या तो बेस तरीका होता आपके पास में, या यहां से जस्ट पीछे वाले से कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट बेसिकली अगर करना चाहता है तो वो क्या कहेगा कि मान लेता है वो भाव को कितना, 100 रुपए प्रति केजी का भाव था। अब वर्तमान की अगर वो बात करेगा तो कितना करेगा, क्या भाव अब वर्तमान में 80 रुपए प्रति केजी हुआ क्या, मैं मान रहा हूं या एक्सेप्टेड कर रहा हूं यहां पर। अगली बार क्या बोला गया था कि क्या यहां से मैं पहले वाली जो खपत है और वो खपत भी मैं एक बार 100 केजी मान लेता हूं, अगर मैं मूल्य का गुणा खपत के साथ में करूं तो क्या खर्च होगा वो क्या मेरे पास में 10,000 रुपए होगा क्या। यानी मैंने क्या किया है कि 1 किलो का जो भाव है वो खपत से, टोटल जो खपत थी उससे गुणा करवाया, तो क्या यहां पर जो कुल खर्चा आया वो 10,000 आया क्या पहली कंडीशन में, और वर्तमान में 80 रुपए का भाव है और यहां कितनी कमी करे। तो यहां मैं रखी गई संख्या को एक बार अक्ष मान लेता हूं, परंतु साथ ही एक बात और बोलेगी कि वो खर्चे को क्या 5% कम भी करना चाहेगी क्या। यानी कहने का मतलब पीछे वाला जो खर्चा हो रहा है उसका 5% कम करेंगे, और 10,000 का 5% निकालोगे, 10,000 का 5% कम निकालोगे, वही तो कम करना है या नहीं करना, और क्या 500 रुपए होगा क्या। तो कितना जो पहले का जो खर्चा था 10,000 और उससे 500 रुपए कम करना चाहेंगे, तो क्या 9,500 रुपए खर्चा करेंगे क्या, और क्या अब यहां अक्ष की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। और अक्ष की वैल्यू निकालोगे और अक्ष बराबर कितना होगा, अक्ष की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 9,500 अपॉन में कितना 80, और जीरो से जीरो कट जाएगा क्या। और अगली बार ध्यान दो एक बार, अगर यहां से अब यहां ये जो अक्ष की यहां खपत में वृद्धि होकर आ रही है, खपत को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और यहां अगर मैं इसमें से अगर इस 100 को घटा दूं तो क्या वही तो खपत में प्रतिशत वृद्धि आएगी या नहीं आएगी। तो यहां ये क्या आया, अक्ष की यहां जो वैल्यू आई वो क्या 950/8 केजी खपत करेगा या नहीं करेगा, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए थी तो कितने की वृद्धि हो रही है पहले वो निकालोगे, तो क्या 950/8 माइनस कितना 100 करोगे, और यहां कितना आएगा, क्या यहां 150/8 की वृद्धि हो रही है क्या, क्या यहां 150/8 की वृद्धि हो रही है क्या, केजी में वृद्धि हो रही है, और परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज कितना होगा, क्या 150/8 परसेंटेज 150/8, और क्या मुझे बताओ 100 पर गणना करनी पड़ रही है क्या, क्या यहां 100 का भाग दे दूं, क्योंकि 100 पर ही तो वृद्धि या कमी होगी, और यहां इनटू परसेंटेज चाहिए तो क्या 100 से गुणा करवा दो, और 100 से 100 कट जाएगा 150/8, और यहां
दो से कितनी बार जा रहा, चार बार, दो से कितनी बार गया, 75 बार, 75 में चार का भाग दोगे और यहां कितना आएगा, 75 में चार का भाग दोगे तो यहां कितना परसेंट वृद्धि करनी पड़ रही है, तो चार का भाग दिया, चार एकम कितना, चार, और आठ चौक कितना आएगा, 32, और बचा कितना, 3, उतारोगे कितना, 0, और यहां फिर अगली बार कितना, चार से सात चौक 28, और कितना, 18.75% वृद्धि होगी, क्या 18.75% वृद्धि होगी। एक तो तरीका यह था, एक इसका दूसरा तरीका और होता है, और दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका यह कहता है, ध्यान दो एक बार, दूसरा तरीका देखोगे क्या, मुझे बताओ पहले के भाव को मैं 100 मान लूं और अब मेरे पास भाव कितना होगा, क्या 80 का भाव हुआ क्या, क्योंकि बोला यह गया था कि 20% क्या हुई है, कमी हुई है, और 80 का भाव हुआ, अब यहां जो खर्चा पहले जो 100 था प्रति केज, यहां 100 रुपए का भाव था, मान लो 1 किलो ही खपत हो रही थी और मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो यहां क्या अब उसको 95 रुपए खर्चा करना है, और यहां अब यहां से वृद्धि करोगे तो इस कम हुए मूल्य पर ही तो खपत में वृद्धि होगी, और यहां 80 पर, और यहां कितना, 95, और कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 15 की, और कितने पर, 80 पर, गुणा में कितना, 100, और 0 से 0, और 150, दो से कितनी बार गया, चार बार, दो से कितनी बार, पांच बार, 75 बटा में कितना आया, 4, और 18.75% क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए, यहां वेट जो पूछा है वो वेट पूछा है, किलोग्राम दिया हुआ है यानी वेट पूछा है, और कितने किलोग्राम की कमी की जाए, कि खर्च केवल कितना परसेंट बढ़े, 5% बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 440 किलोग्राम खपत करता हो, तो अब कितना किलोग्राम कमी करनी है, वो किलोग्राम में यानी वेट पूछा आपको, तो सबसे पहली चीज क्या, मैं एक ही सिंगल तरीका काम में ले रहा हूं यहां पर, पहले के क्या मैं मूल्य को 100 रुपए मान सकता हूं क्या, अगर मैं पहले के मूल्य को 100 मानता हूं और यहां वृद्धि हुई है तो वृद्धि कितने की होगी, 20 की, और कितना 20% वृद्धि होगी, तो क्या 120 बोल सकता हूं, यहां पहले का भाव 100 रुपए था अब 120 हो गया क्या, परंतु साथ ही क्या बोला गया, खपत में कितने किलोग्राम कमी की जाए, परंतु खर्च को कितना बढ़ाना चाह रहा है, 5%, जो 100 रुपए खर्चा कर रहे थे अब वो कितना करेंगे, क्या 105 रुपए करेंगे क्या, अब बढ़े हुए मूल्य में ही तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, और बढ़े हुए मूल्य में खपत में, ये पहले अगर खपत की कमी परसेंटेज निकाल लोगे तो यहां पर ये आप लोग ये कमी निकल जाएगी, तो यहां पर निकालना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को, तो क्या करोगे 120 में से, और इन दोनों के डिफरेंस को ही तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो खपत में कमी परसेंटेज पहले निकाल लो, खपत में कमी प्रतिशत पहले निकालोगे, और 15 की कमी हो रही है और कितने पर हो रही है, 120 पर, और गुणा में कितना, 100, क्या यहां से 0 से 0 कट रहा है, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार गया, 5 बार, और क्या 2 से काटोगे तो क्या 12.5% की ही तो क्या कमी करनी पड़ेगी क्या, यानी कहने का मतलब 440 का 12.5% कम करना पड़ेगा खपत में, वही तो कमी होगी या नहीं होगी, और या तो आप लोग यहां से निकालोगे कि 400 प्रारंभ में यह खपत, वर्तमान खपत आपको निकालनी थी, यानी भाव बढ़ने के बाद खपत आपको निकालनी थी, और कितना वर्तमान में वर्तमान में की गई कमी को निकालना था, वर्तमान में की गई कमी को निकालोगे और 440 का 12.5% ही तो कम करना पड़ेगा, या तो आप लोग ऐसे निकालोगे 440 का 12.5% कम कर दो, और 12.5 से 8 बार, और 8 × 45, और यहां अगली बार कितना 8 × 45, और कितना कम करना पड़ेगा, क्या कमी जो होगी वो 55 kg की करनी पड़ेगी क्या, क्या जो कमी करनी पड़ेगी वो 55 kg की करनी पड़ेगी क्या, या एक कई स्टूडेंट इसको यहां यूनिट विधि से अगर कोई कर रहा है तो वो इसको डायरेक्ट यहां से ये भी कर सकता है, 12.5% को लिखेगा 1/8, और 8 इकाई की जो वैल्यू है वो कितना दे रखी है 440, और 1 की वैल्यू कितना 55, और वही तो कम करना है, और 1 कम कर दोगे तो कितना आएगा 55, तो यहां कमी कितनी करनी पड़ेगी 55 kg की। एक और क्वेश्चन, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार
₹300 में 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तब इन चार क्वेश्चनों का आंसर बताना है। प्रारंभिक खपत बताओ, वर्तमान खपत बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ और वर्तमान मूल्य बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ ये चार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बात ये बताना, क्या मैं एक बार, तरीका वही होगा सैम, क्या मुझे ये बताऊं, क्या मैं पहले का जो मूल्य था वो 100 मान लूं क्या, और अब वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई तो कितना होगा, 120 की वृद्धि होगी क्या, वृद्धि हुई तो 100 वृद्धि हुई तो 20 की हुई, तो क्या भाव बढ़ने के बाद क्या जो भाव हुआ वो 120 हो गया क्या, और क्या आप लोग खपत में कमी तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, और खपत में कमी को निकालोगे ताकि आपके पास में ये वेट जो दिया हुआ है ना, ये वेट का पता लग जाएगा आप लोगों को। पहले भी ₹300 खर्च कर रहा है, वर्तमान में भी ₹300 ही खर्च करेगा, और यहां भाव निकालोगे तो प्रारंभिक और वर्तमान खपत अगर आप लोग निकाल लोगे तो यहां प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य भी निकाल पाओगे। तो क्या करोगे, यहां खपत में कमी परसेंटेज को निकाल लो भाई, और खपत में कमी कितने की हो रही है, खपत में कमी प्रतिशत को निकालोगे पहले, तो खपत में कमी निकालोगे तो क्या करोगे, यहां से मुझे बताओ क्या अगली बार यहां 20 की कमी करनी पड़ रही है और 120 में 120 पर करनी पड़ रही है क्या। तो एक काम करो, या तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो या इसको सेम ऐसा ही रहने दो, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, इसको वापस फ्रैक्शन में चेंज करोगे, और अपने पास जो तरीका होता है वो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां परसेंटेज को में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लो, और यहां कितना होगा कि 1/6 कितना, 6। प्रारंभ में जो खपत है, प्रारंभिक खपत कहां होगी, अब नीचे की ओर होगी, और ये तो क्या है आपके पास में प्रारंभिक खपत, और ये क्या आई थी अपने पास में, कमी आ रही या नहीं आ रही। अगर मैंने, मेरा करने का मतलब ये था कि प्रारंभ में खपत अगर 6 किलो की थी, प्रारंभ में खपत अगर 6 किलो की थी तो अब 1 किलो की कमी होगी, अपन ने ये एक्सेप्टेड कर लिया यहां से। परंतु साथ ही अपने क्या बोला गया कि 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है, तो क्या जो कमी, ये भी कमी है और ये भी कमी है, खपत में ही तो कमी है क्या दोनों, और खपत में कमी है, तो क्या इस एक इकाई की वैल्यू 8 किलो भी तो रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, प्रारंभिक खपत को बताओ, और प्रारंभिक खपत अपने लिए कितना है, 6 है, और 1 की वैल्यू कितना है, 8 है, तो क्या प्रारंभिक जो खपत होगी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 6 8 48 होगा क्या। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, वर्तमान खपत बताओ, और वर्तमान में कितना है, 6 में से 1 जाएगा, और वो कितना आएगा, 5 आएगा क्या, और 5 और 1 इकाई की वैल्यू कितना, 8, और भाग कितने का दोगे, 40 का, और ये तो आ गया प्रारंभिक खपत, और ये कितना आ गया वर्तमान खपत, और ये दोनों क्या केजी में दे होगी अपने पास में। अब अगली बार ध्यान दो, अपने पास दो क्वेश्चन और पुटअप होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक मूल्य, तो पहले भी चीनी पर ₹300 खर्च था, अब भी ₹300 खर्च है, तो क्या प्रारंभिक मूल्य निकालोगे, तो क्या 300 में 48 का भाग दे दोगे क्या, और क्या प्रति केजी का भाव, रुपए प्रति केजी का भाव 300/48 रुपए प्रति केजी होगा क्या, और वर्तमान मूल्य निकालोगे, और वर्तमान मूल्य कितना, खर्चा कितना था ₹300, और यहां ₹300 खर्चा था, और अब आ कितना रहा है चीनी का जो प्रयोग कितना, और 40 किलो का, और यहां अगर मैं 40 का भाग दे दूं और 1 किलो का भाव निकलेगा या नहीं निकलेगा, और यहां ये जो मूल्य पूछे हैं वो हम अपने पास में हमेशा ऐसे क्वेश्चन में प्रति केजी के ही पूछता है, और ये कितना होगा 300/40, और यहां पर इन चारों क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से देख लेना, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, वापस देखो, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस पीछे से रिट्राई कर लेना, वापस पीछे से देख लेना एक बार, और समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ₹100 किलो का भाव था, 20 बढ़ा, 120 हुआ, और 20 की अब खपत में कमी को निकालोगे, खपत में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी वो निकालोगे, तो 20 की कमी 120 पर निकालोगे। अब यहां मैंने सिर्फ इतना ही काम किया, मैंने इसको परसेंटेज में नहीं चेंज किया, और ऐसा का ऐसा रख लिया, ताकि यहां इकाई की, अपन जो इकाई विधि काम में लेते हैं वो यहां पर मैं प्रयोग ला सकूं। तो यहां कितना आएगा 1/6 कितना, 6, अगर प्रारंभिक खपत अगर 120 6 थी, तो वर्तमान खपत कितना होगी, वर्तमान में खपत कितना होगी,
5 होगी। कैसे? ये ऊपर वाली कमी को दर्शाएगा और ये प्रारंभिक खपत को दर्शाएगा, तो 1 और यहां कितना 6। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देखो, एक बार ध्यान दो, क्या करेगा स्टूडेंट, ये करेगा 20/120 गुणा में कितना 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, और 20 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार और 16 से ये 2/3 परसेंटेज कमी यही करनी पड़ेगी क्या? फिर स्टूडेंट वापस पीछे जाएगा और ये कहेगा सर 16 से 2/3 को मैं यूनिट विधि से इस्तेमाल कर सकता हूं, और वो बोलेगा 1/6, और वापस वही चीज निकल के आ रही है। इसीलिए मैंने ये आपको यहां डायरेक्ट ही बता दिया था, ठीक है, काम खत्म हुआ। और ये चारों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनमें से कंफर्म आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं हमें, और साथ ही सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद।